बुधवार को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के तहत आईएमए हॉल में प्रशिक्षण में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेसी जिंगर ने बताया कि फ्लोराइड अधिकांशतः पीने के पानी एवं भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। प्रशिक्षण में उन्होंने फ्लोरोसिस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की क्षेत्र में पानी व यूरिन की जाँच कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा वे बचाव हेतु परामर्श देने के चिकित्सा कर्मियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने फ्लोरोसिस रोग के लक्षण में बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान की। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने, भोजन बनाने में फ्लोराइड युक्त पानी का प्रयोग करने व फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने पर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। देश में पंजाब, राजस्थान व गुजरात राज्य फ्लोराइड पानी की अधिकता वाले राज्य हैं। राजस्थान के सभी जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ 1 से 10 ppm तक फ्लोराइड की मात्रा पानी में पाई जाती है और भीलवाड़ा जिले के 40% से अधिक गांवों में यह समस्या है।